Would you rather 40 hardest choices ever? Okay, let's... Welcome to Quiz Empire. Hello. Are you ready for the toughest decisions of your life? Yes, sir. Then let's play Would You Rather. Theek hai, sir. Hardest choices ever. Okay, sir. If you're new here, subscribe to our channel for Please more subscribe. Games like this. Yes, sir. All right, let's get started. Oh, bhai, mera pet kharab ho gaya, bhai. Hello, mujhe potty jane ka man kyu kar raha hai? Yaar, mera pet kharab hai, yaar. Pata nahi kyu maine doodh pi liya tha, bhai. Do teen baar wo din Oreo kha liye tha na us din. Tab se mera pet sahi nahi hua hai, yaar. Would you rather have the ability to fly or be invisible? ये अच्छा क्वेश्चन है. वुड यू रेदर टू हैव अ एबिलिटी टू फ्लाई और बी इनविजिबल? आई मीन देखो, फ्लाई करने में क्या हुआ कि हम काइंड ऑफ सुपरमैन जैसे बन जाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ उड़ने की ताकत है तो हम किसी दिन धोखे से कहीं पे टकरा गए तो हम मर भी जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ उड़ने की ताकत है. हमारे पास ना वो ताकत नहीं है कि हमारे अंदर ना उतनी ताकत हो कि हम झेल पाए. सुपरमैन इसलिए उड़ पाता है क्योंकि भाई उसको फर्क नहीं पड़ता, बिल्डिंग तोड़ सकता है वो. दूसरा है बी इनविजिबल, जिसमें हम इनविजिबल बन सकते हैं, ठीक है, और इनविजिबल बनके हम ना वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हम सिर्फ अपने ड्रीम में करते हैं. नो, वो चीजें नहीं. हाँ, यहाँ पे हम चोरी ओरी की बातें कर रहे हैं, ठीक है, चोरी ओरी की बातें कर रहे हैं यहाँ पे. यार ये थोड़ा सा टफ है, बट चैट व्हाट यू थिंक, तुम क्या चूज करोगे, इनविजिबल और एबिलिटी टू फ्लाई? ओ भाई, ये तो बहुत इजी है. हमारे पास एक पर्सनल रोबोट हो जो कि बात करता हो हमसे, या हमारा कोई एनिमल हो जो कि हमसे बात कर सके, ठीक है, स्ट्रेट अप टॉकिंग एनिमल कंपेनियन. भाई मेरे को चाहिए मेरा डॉग हो या मेरी कैट हो, वो मेरे से बात कर पाए. भाई हमारी क्या केमिस्ट्री बनेगी, वो तो एंड में इन रियल लाइफ हो जाएगा. रोबोट नहीं यार, रोबोट से इतनी फैसिनेशन नहीं है मेरे को. मैं रोबोट चूज नहीं करूंगा मेरे हिसाब से, तो आई विल गो विद टॉकिंग एनिमल. ठीक है, टॉकिंग एनिमल. बट तुम्हारे हिसाब से तुम लोग क्या चूज करोगे? सारे लोग एनिमल ही रह रहे हैं, लेकिन कौन सा एनिमल? एनिमल में कौन सा एनिमल? Would you rather have the power of super strength or super speed? Ooh, अब ये अच्छा क्वेश्चन आया ना. सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड में से तुम कौन सी पावर लेना चाहोगे? इफ तुम इंटेलिजेंट हो तो तुम सुपर स्ट्रेंथ चूज करोगे, ठीक है, क्योंकि सुपर स्पीड के साथ ना बहुत सारी खराब चीजें आती हैं. सोचो सुपर स्पीड से प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम उतने ही अगर तुम्हें सिर्फ सुपर स्पीड मिलती है तो तुम बहुत तेज भागोगे, लेकिन अगर तुम थोड़े से भी फिसल गए, मतलब तुम्हें मारना थोड़ा सा ज्यादा इजी है विद सुपर स्पीड. अगर तुम्हारी बॉस सुपर स्पीड है और मैंने ना केले का छिलका डाल दिया रोड पे और तुम उस पे ना धोखे से भी ना तुम्हारा उसके ऊपर पैर पड़ गया, तो तुम ना इतनी तेज फिसलोगे कि तुम अपने आप को ना कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, एंड तुम्हारी उसी समय ना मौत हो जाएगी टकराने से, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ सुपर स्पीड है, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, रेजिस्टेंस की पावर नहीं है. तो मेरे हिसाब से आई विल गो विद सुपर स्ट्रेंथ, क्योंकि सुपर स्ट्रेंथ से ना मेरे को कोई मार नहीं पाएगा इतना इजीली. तो मेरे हिसाब से सुपर स्ट्रेंथ मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं करूंगा सुपर स्ट्रेंथ. फॉर मी सुपर स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा चॉइस है, मुझे लगता है सुपर स्ट्रेंथ करना चाहिए. वुड यू रादर लिव इन अ वर्ल्ड विदाउट इंटरनेट और अ वर्ल्ड विदाउट म्यूजिक? अब यार ये टफ है, क्योंकि मेरे को म्यूजिक बहुत पसंद है, बट यार मेरे को इंटरनेट से भी प्यार है. आई थिंक आई विल गो विद अ वर्ल्ड विदाउट. अरे यार ये टफ है यार, मैं चूज नहीं कर पा रहा कि मैं कौन से वर्ल्ड में रहना चाहूंगा जहां पे या तो इंटरनेट ना हो या जहाँ पे कोई म्यूजिक ना हो. वैसे इंटरनेट से पहले भी हमारी दुनिया ना काफी अच्छी थी, इंटरनेट से पहले भी ना म्यूजिक बहुत बड़ी चीज थी, तो मैं चूज करूंगा वर्ल्ड विदाउट इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट ना हमारे लिए काफी चीजें बिगाड़ भी दी हैं. म्यूजिक में क्या है, एक नॉर्मल लाइफ भी हो सकती है, तो मैं जाऊंगा साइंस से विदाउट इंटरनेट और मैं चूज करूंगा वर्ल्ड विदाउट इंटरनेट, और मेरे को म्यूजिक वाले वर्ल्ड में रहना है, तो मेरा ये होगा, मेरे को यही लगता है. तुम्हारे तुम में से बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड विदाउट म्यूजिक चूज किया था, तुम सब इंटरनेट addict हो भाई, इंटरनेट addict हो. Have the ability to time travel to the past or to the future? टाइम ट्रेवल टू द पास्ट और टाइम ट्रेवल टू द फ्यूचर. देखो टाइम ट्रेवल फ्यूचर में करके क्या हो सकता है कि तुम्हें ये पता लग सकता है कि आगे क्या क्या होगा, तो तुम वही चीजें पास्ट में आके ना कर सकते हो, तो तुम भाई दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान बन सकते हो, या तुम पास्ट में जाके ना अपने ग्रैंडफादर को चीजें बता सकते हो कुछ कि तुम ये करो वो करो,
ठीक है, तो ये ना थोड़ा सा टफ है, क्या करना चाहिए इसमें। आई मीन आई विल ट्रेवल टू फ्यूचर, क्योंकि जो पास्ट में हो गया है वो हो गया है, वो एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसको चेंज करने का मतलब नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं जाऊंगा ट्रेवल टू द फ्यूचर, बी एबल टू टेलीपोर्ट एनीवेयर और रीड माइंड्स। यार ये कितने सही सही क्वेश्चंस है, टेलीपोर्ट एनीवेयर या रीड माइंड्स। चैट ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, इन दोनों में बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि ये दोनों ना बहुत ही तगड़ी पावर्स हैं जिससे तुम पूरी दुनिया के ऊपर ना राज कर सकते हो। ये वैसी पावर्स हैं कि भाई ये दुनिया तुम्हारे अंडर में आ जाएगी, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं पावर लूंगा टेलीपोर्ट की, ठीक है। रीड माइंड करने से क्या है कि मैं हर किसी का माइंड तो रीड कर सकता हूँ, बट ना वो मेरे लिए खराब है, क्योंकि अगर कोई बंदा मेरे बारे में बुरा सोचता है बट मेरे मुंह पे नहीं बोलता, ठीक है, तो फिर ना मेरे को उसके मन में क्या चल रहा है वो चीज समझ में आ जाएगी, तो ऐसे ना मेरे लिए लाइफ बहुत डिप्रेसिंग हो जाएगी, क्योंकि लोग बहुत गंदे हैं इस दुनिया में। तो लोगों की जब सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, तो इस हिसाब से मैं टेलीपोर्ट टू एनीवेयर साइड से चूज करूंगा। रीड माइंड वाले से ना मैं डिप्रेस बन जाऊंगा, ठीक है, जब तुम्हें हर किसी का माइंड रीड करोगे तो तुम डिप्रेस हो जाओगे, तो आई विल गो विद टेलीपोर्ट टू एनीवेयर। Would you rather swim with sharks or swim with crocodiles? अरे भाई मैं मेरे को किसी के साथ स्विम नहीं करना, ना शार्क्स ना क्रोकोडाइल, दोनों ही मेरे को डर लगता है भाई। अरे ये कैसा क्वेश्चन है कि तुम्हें शार्क के साथ स्विम करना है या क्रोकोडाइल? मैं किसी के साथ नहीं करना चाहूंगा, बट स्टिल अगर मेरा ये क्वेश्चन हो कि मेरे को इनमें से किसके साथ स्विम करना है, तो क्रोकोडाइल पानी के अंदर तक तो स्विम करते नहीं है, तो मैं शार्क के साथ जाऊंगा, ठीक है साक्षी, तो या मैं शार्क्स के साथ स्विम करूंगा। तो पानी Would you rather live in a world with superheroes or a world with magical creatures? Oh, ये बहुत इजी है, the world with magical creatures for me. Superheroes are good, superheroes बढ़िया है, मजेदार चीज है, बट मेरे को भाई मैजिकल क्रीचर्स के साथ रहना है, ठीक है, क्योंकि मैजिकल क्रीचर्स, भाई मैजिकल क्रीचर्स एक्चुअली में थोड़े फैंटेसी लाइक फैंटेसी टाइप के लगता है। देखो सुपर हीरोज आर गुड, ठीक है, बट उसमें सुपर हीरोज में क्या चीज है भाई, तुम्हारे पास तो सुपर पावर है नहीं, तुम कभी भी मर सकते हो, ठीक है, कभी भी मर सकते हो, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो सुपर हीरोज अच्छे हैं कि नहीं है। हर कोई मार्वल जैसा नहीं होता, क्या पता वो द बॉयज वाला वर्ल्ड निकल जाए, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको किस करने वाला हूँ, तब तक एक भागता हुआ आए बंदा मेरी गर्लफ्रेंड की गर्दन वर्दन फाड़ के चला जाए, समझे ना, तो मैं रहूंगा मैजिकल क्रिएचर्स के साथ, क्या पता मेरे को एक लड़की मिल जाए, ठीक है, जिसके ऊपर से वो लड़की हो नीचे से मरमेड हो, ठीक है, अब इससे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो मेरे को मैजिकल क्रिएचर्स के साथ जाना है, तो मैं चूज करूंगा मैजिकल क्रिएचर्स। अगर मैजिकल क्रिएचर्स में इतनी सुंदर लड़कियां मिलेंगी जितनी ये है तो 100%। वुड यू रादर हैव $5 million राइट नाउ और हैव $3,000 अ डे फॉर 20 years? ये बहुत ज्यादा इजी है, ये बहुत ज्यादा इजी है। आई थिंक आई विल गो विद $3,000 अ डे, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा चॉइस होगा। क्या तुम्हारे पास $5 million आ जाएं सीधे या $3,000 हर दिन में? तो आई विल गो विद $3,000 पर डे, क्योंकि ना फिर मैं अच्छे से, अगर 5 मिलियन एक साथ आ गए तो मैं सीधे उड़ा दूंगा, तो इसलिए मैं चूज करूंगा $3,000 पर डे वाला, वो अच्छा है। Would you rather always have smelly armpit or always have bad breath? I will go with the smelly armpit, क्योंकि कुछ लोग को smelly armpit पसंद है, but मेरे को bad breath तो नहीं चाहिए। I mean bad breath तो खराब है भाई, तुम किस करने गए, उसने उल्टी ही कर दी तुम्हारे मुंह में, तो क्योंकि तुम्हारा मुंह इतना गंदा था। Would you rather never eat hamburgers again or never eat pizza again? I'm a fucking burger guy. मेरे को बर्गर बहुत अच्छा लगता है, बर्गर इज एवरीथिंग, पिज्जा भी अच्छा लगता है बट बर्गर से बेटर पिज्जा नहीं है, तो आई विल गो विद नेवर ईट पिज्जा अगेन, क्योंकि मेरे को बर्गर ज्यादा पसंद है, तो आई एम अ बर्गर गाय, तो मैं मेरे हिसाब से आई विल गो विद नेवर ईट पिज्जा अगेन। वुड यू रादर बी एबल टू टॉक टू योर पास्ट सेल्फ और योर फ्यूचर सेल्फ? Talk to your past self or future self? ये kind of वैसा ही question है। I will go with talk to my past self, क्योंकि past में मैं थोड़ा सा ज्यादा वैसा था, मैं अपने बारे में बहुत गलत गलत चीजें सोचता था, तो अगर मैं past में जाऊंगा तो I'll say him कि bro तूने जो भी decisions लिए वो बहुत अच्छे थे, I love you, तो yeah I'll go like हमारी problems fix हो जाएंगी, और ये जो traumas जो कुछ लड़कियां मेरे को देखी गई हैं उससे भी बोल दूंगा कि ये नाम की लड़की से दूर रहियो ब्रो, चाहे वो कितना भी लालच दे उससे दूर रहने का भाई, तो I will go with like past।
past. मेरे हिसाब से past one is good. It will help me to become a better person for my future self. इसलिए. Would you rather get your dream house or your dream car as a gift? Dream house or dream car as a gift? I will go with a house क्योंकि you know house मेरे को car से ज़्यादा अच्छा लगता है. और हाउस यार मेरे को अपना ड्रीम हाउस बनाना है देन गेटिंग अ ड्रीम कार. तो मेरे हिसाब से हाउस. मेरी मम्मी ज़्यादा खुश हो जाएंगी और मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा जब मेरी मम्मी खुश होगी देन मी. वुड यू रादर हैव अ पर्सनल सबमरीन और अ पर्सनल स्पेसशिप? पर्सनल सबमरीन आफ्टर दैट सबमरीन न्यूज तो नहीं रखनी है. तो आई विल गो विद पर्सनल स्पेस शिप. अगर मरूंगा तब भी थोड़ा अच्छे कुछ नई चीज देख के तो मरूंगा. तो आई विल गो विद पर्सनल स्पेस शिप. स्पेस का सबको फैंटेसीज है ब्रो. स्पेस इज एवरीथिंग. तो आई विल गो विद स्पेस. पावर टू हील एनी इलनेस और पावर टू रिजरेक्ट द डेड. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों. अगर आपके पास ये पावर हो कि आप किसी की बीमारी हील कर पाओ या किसी मरे हुए इंसान को जीवित कर पाओ तो आप क्या करोगे? यार ये टफ है क्योंकि देखो अगर मेरे पास ऐसी पावर आ गई और किसी ने मेरे को पकड़ लिया और उसने बोला कि चल अब हिटलर को जिंदा कर वरना हम तेरी फैमिली को ये वो कर देंगे या तो वो मुझे जेल में डाल देंगे कुछ तो तगड़ा वाला अगर वो बहुत पावरफुल लोग हुए तो ये पावर भी बहुत गंदी है. ठीक है क्योंकि विद एवरी पावर क्या क्या डायलॉग होता है वो. विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी. बट सीन ये भी है कि अगर मेरे को बहुत पावरफुल इंसान बनना है तो अगर मैं इलनेस सही कर दूंगा तो लोग बोलेंगे कि फेक है. ठीक है लेकिन यार ये टफ है. मेरे हिसाब से मैं चूज करूंगा पावर टू हील एनी इलनेस क्योंकि मेरे को ये लगता है कि डेड से जिंदा करना ना गलत चीज है. जो डेड हो चुका है मेरे हिसाब से वो जिंदा होना भी नहीं चाहता होगा कि वो हमारे नेचर का एक वो है. बट मैं इतना सेल्फिश तो हूँ कि भाई कोई बीमार है तो मैं उसकी बीमारी तो सही कर दूँ. आई डोंट वॉन्ट रिजरेक्ट समवन लाइक फ्रॉम डेड. मेरे हिसाब से तो मैं जाऊँगा पावर टू हील इलनेस. या जैसे कि मेरे को कोई बोलेगा कि तुम हमेशा तुम्हें जीवित रहने की पावर मिल जाए ठीक है तुम चिरंजीवी बन जाओ ठीक है तो मैं चूज नहीं करूंगा. वुड यू रादर बी एबल टू कम्युनिकेट विद एनिमल्स or speak all human languages fluently? तो मेरे हिसाब से मैं तो चूज करूंगा एनिमल्स को ही क्योंकि तो मैं मुझे एनिमल्स पसंद है. ठीक है स्पीक ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस फ्रीक्वेंटली ना. इफ आई कैन कम्युनिकेट विद एनिमल्स बेस्ट. भाई हर किसी एनिमल से मैं कर सकता हूँ ना तो और क्या चाहिए तुम्हें तो अपनी लाइफ में. मैं बन गया भाई हीरो बन गया फिर तो मैं तो यार ये अच्छा था ये वाला. Would you rather be a billionaire with no friends and family or be average but have people who love you? For me I think maybe like average ही choose करूंगा because I mean I want to get like you know मेरे को ये ज्यादा पसंद है जो मेरे आसपास के लोग हैं ना वो ज्यादा अच्छे हों. अदरवाइज तुम कितना भी पैसा कमा लो ठीक है वो भी अच्छी चीज है कि भाई रोना है तो लैम्बोर्गिनी के अंदर रो. बट स्टिल भाई मेरे को चाहिए कि एक केयरिंग एंड लविंग लोग हो मेरे आसपास में. Let's see next question. Would you rather spend one night in a real haunted house or spend a week alone in the woods? Ooh, that's a nice question. Spend one night in a real haunted house or spend a week alone in the woods? मेरे हिसाब से like I mean तो मेरे को बता तुम में से बहुत सारे लोग choose करने वाले हैं spend one night in a real haunted house. तो मैं भी spend a week alone in woods choose करूँगा. क्योंकि मेरे को वुड्स में रहना ज्यादा अच्छा लगेगा देन स्पेंडिंग लाइक वन नाइट इन अ रियल हॉन्टेड हाउस. आई विल गो विद वुड्स. मेरे हिसाब से वुड यू रादर हैव अ पर्सनल लाइब्रेरी विद एवरी बुक एवर रिटन और अ पर्सनल आर्ट गैलरी विद ऑल द वर्ल्ड्स मास्टरपीसेस? यार ये भी लाइक ये डिपेंड करता है विद पर्सन टू पर्सन. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दोनों ही चीजें पसंद करता हूँ बट मेरे को आर्ट ज्यादा पसंद है. लाइक जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ वो मुझे ज्यादा पसंद है देन रीडिंग. बट ये इसलिए है क्योंकि वो उस तरीके का इंसान मैं हूँ. कुछ लोग को रीडिंग ज़्यादा पसंद होती है तो ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है. मेरे लिए थोड़ा सा बायस हो जाएगा क्योंकि मैं पर्सनल आर्ट गैलरी चूज़ करूँगा देन लाइब्रेरी. बट मेरे हिसाब से जो लाइब्रेरी चूज़ करेगा वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा.
क्योंकि लाइब्रेरी में जो तुम सीखोगे वो एक पर्सनल आर्ट गैलरी में नहीं होगा, एंड जो पर्सनल आर्ट गैलरी में होगा वो लाइब्रेरी में नहीं होगा। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये वाला, बट मेरे हिसाब से मैं आर्ट गैलरी में जाऊंगा। Would you rather live in a world where it's always day or a world where it's always night? Like for me, मेरे हिसाब से मैं चूज करूंगा this one, like world where it's always day, शायद, क्योंकि रात पसंद है मेरे को, बट इतनी भी पसंद नहीं है कि भाई you know, क्योंकि यार रात बोरिंग हो जाएगी, लाइक तो रात में बहुत सारी चीजें कर नहीं सकते हैं हम। सो आई विल गो विद वर्ल्ड वेयर इट्स ऑलवेज डे। आई सेंडेड यू अ थंबनेल, मैंने पैशन देखा था अभी वो थंबनेल, लेकिन वो इतना कुछ पैसा नहीं था इसलिए नहीं लगा सकता। वुड यू रादर बी ब्लाइंड और डेफ? वुड यू रादर बी ब्लाइंड और डेफ? आई विल गो विद डेफ, कि मैं सुन ना पाऊं, बट मेरे को ये दुनिया, मेरे को नेचर देखना है, नेचर फील करना है और देखना मेरे को ज्यादा पसंद है। So I will go with be deaf, but मेरे को blind तो नहीं होना। Would you rather live in a city skyline penthouse or a beachfront villa? मेरे हिसाब से everyone like is going to choose beachfront villa. No freaking way कि तुम लोग जो है ना like skyline penthouse choose करोगे। मेरे हिसाब से मैं skyline choose नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा beachfront villa के लिए। Beachfront villa better than skyline penthouse. Would you rather lose the one you love the most or lose all your memories? Oh, lose the one you love the most or lose all your memories. But yaar ye to dono hi ghate hai na. Agar main sari memories kho dunga to bhi to maine apne loved ones ko kho diya hai na. Memories se hi to wo bhai like mere loved ones bane hai na ek tarike se. Yaar ye thoda sa tough hai, lose the ones you love the most or lose all your memories. But I still go with lose all your memories. क्योंकि अगर मैं अपनी मेमोरीज खो भी दूंगा तो भी जो मेरे लव्ड वंस हैं, ठीक है, वो मेरे को दोबारा वैसी मेमोरीज दे सकते हैं। तो आई विल गो विद लूज लाइक ऑल योर मेमोरीज एंड आई विल स्टे विद लाइक अपने लव्ड वंस के साथ रहूंगा। वुड यू रादर नेवर लीव योर होम टाउन बट बी रिच और ट्रैवल द वर्ल्ड विद नो मनी? आई थिंक आई विल गो विद द ट्रैवल द वर्ल्ड विद नो मनी, बिकॉज It's just me, मेरे को ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। Bro, wash your face, किस लिए भाई? But मेरा कंफर्म यही है, travel the world with no money. Travel Would you rather always skip lunch or breakfast? Oh, always skip breakfast, bro. Like मैं उठता ही उतना लेट हूँ, मेरा हर दिन breakfast skip हो जाता है, तो एक तरीके से lunch तो नहीं skip कर रहा भाई मैं। Would you rather never be angry again? Or never be sad again. Oh, never be angry again. क्योंकि अगर मैं कभी sad नहीं होऊंगा तो फिर मैं ये भूल जाऊंगा। Would you rather be rich and ugly, or be poor and gorgeous? Be rich and ugly. Ugly होऊंगा तो भी भाई bitches मिलेंगी, ठीक है? बस अमीर होना चाहिए। तो I will go with be rich and ugly. Would you rather have a power to bring back a loved one who has passed away? Or have the power to bring peace to a war-torn region? Like bring peace to war, like कोई जगह पे जहाँ पे war चल रहा हो, या जो हमारे family में loved ones है उसको वापस लाने का। I mean जो loved one जा चुका है, if natural death से, तो that's okay, like वो human life है, तो I will go with, क्योंकि war में बहुत सारे innocent लोग मरते हैं, तो मेरे हिसाब से war। मैं selfish हूँ, but I think I'll go with war. ठीक है, war वाला मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है. Peace and war, वो ज़्यादा अच्छा choice. Would you rather eat this burger or feed it to her? Oh, feed it to her. Burger दोबारा खरीद लेंगे. इसको feed कर देंगे burger भाई. क्या दिक्कत है? इतना तो अच्छे, इतने तो गंदे नहीं है भाई. हम में से कोई भी इतना गंदा नहीं है. Would you rather live alone on an island or live with your friends in Antarctica? Live alone on an island. अंटार्कटिका में तो मर जाऊंगा इतनी सर्दी में भाई, आइलैंड में रह लूंगा वो तब भी सही है, अंटार्कटिका में क्या ही खाना भी नहीं मिलेगा भाई कुछ। Would you rather be the only person in the world or get bullied every day? What? I mean if I am the only one, ठीक है पूरे दुनिया में, बट मेरे पास एनिमल्स वगैरह भी हैं, तो आई विल गो विद बी द ओनली वन, क्योंकि मेरे को हर दिन बुली तो नहीं होना है ना भाई, फिर तो लाइक गलत हो जाएगा भाई। बुली लाइफ किसको पसंद है, तो बुली तो नहीं होना है मेरे को। Would you rather live without water or live without electricity?
लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी गाइस, पानी तो हमें चाहिए ही है। ये गलत क्वेश्चन है भाई, ये तो पैसा वाला है, ये मैच नहीं कर रहा। Would you rather have a personal assistant or a personal stylist? I will go with the stylist. Stylist. पर्सनल स्टाइलिस्ट मेरे को चाहिए भाई, स्पेशली मेरे को तो चाहिए, मुझे पर्सनल स्टाइलिस्ट बहुत ज्यादा पसंद है। Would you rather be able to control minds or have the power to create and control illusions? I gonna choose second one. Power to create and control illusions. ये बेटर है, वो पसंद है मेरे को। तो या क्योंकि ना देखो, तुम माइंड कंट्रोल करोगे, सही है। इल्यूजन से ना तुम कुछ भी, इल्यूजन का मतलब पता क्या होता है, कि मैं तुम्हारे सामने ऐसे एक बिल्डिंग बना दूं, फिर मैं तुम्हारे सामने कुछ और कर दूं, तो इल्यूजन बहुत फैसिनेटिंग है भाई, तो मैं चूज करूंगा। Have the power to control fire or water? मेरे हिसाब से मैं वाटर चूज करूंगा, बिकॉज फायर ना इतना अच्छा कुछ पावर नहीं है, बट वाटर बहुत सेक्सी लग रहा है भाई मेरे को। वाटर एक्चुअली मैं फायर से, वाटर एक्चुअली फायर से ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर तुम देखोगे वाटर को अगर बहुत ज़्यादा स्पीड पे मारा जाए ना, तो वो लेज़र जैसे काम करता है। तो मैं वाटर को चूज़ करूँगा, पावर टू कंट्रोल वाटर, वो ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है मेरे को दैन लाइक द नॉर्मल पावर टू कंट्रोल फायर। है बच्चे करते हैं, ये तो बच्चे चूज करते हैं। Would you rather have a time machine that only goes to the past or a crystal ball that can see the future? I mean, I will go with crystal ball. Science से मैं crystal ball choose करूँगा। Would you rather live in a world without war or a world without poverty? Oh, a world without war or world without poverty? देखो दुनिया में poverty तो हमेशा रहेगी जितना मेरे को पता है, एंड वॉर भी हमेशा रहेगी, बट स्टिल इफ ये चीज़ है तो आई विल गो विद अ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी, क्योंकि कभी कभी वॉर्स जरूरी होती हैं, कभी कभी ना वॉर्स से ना चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। तो आई विल गो विद वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी, कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए, वॉर तो आती रहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वॉर मेरे हिसाब से, मेरे को यही लगता है कि जो भी अभी तक वॉर हुई है उसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पता लगा ना, कि ह्यूमंस कितने गंदे हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं यही करूंगा, वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी। लोग सोचेंगे भाई मैं कितने गंदे ऑप्शंस चूज कर रहा हूँ भाई, लिटरली। कैसा लगा गाइस आप लोग को? I mean, अच्छा था ये वाला क्यूज करके, मेरे को मजा आया भाई।